नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाने के लिए एक्सेल सीट में किस तरह से हम लोग मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे एक्सेल में और उसका किस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल में देखेंगे वीडियो में एक एक तरह से। जैसे कि मेरे पास, मैं यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ, इसमें देखिए इसका क्या प्रॉफिट है। जैसे कि आपका कौन सा मंथ का रिपोर्ट बनाना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे मंथ दिया हुआ है, यहाँ जनवरी है। ठीक है, तो जनवरी मंथ का रिपोर्ट है, तो जनवरी कितना है, से फर्स्ट जनवरी से लेके 31 जनवरी तक आपका रिपोर्ट ये वैलिड है। ठीक है, उसी के अनुसार यहाँ पे जो है डेट भी है, 1 से लेके जो है 31 तक का डेट है, और इस डेट में कौन सा डे, फर्स्ट को कौन सा डे है, सेकंड को कौन सा डे है, डे भी आपको आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे संडे है किसी मंथ में, तो यहाँ संडे भी आपको हाईलाइट्स दिखा रहा है कि संडे हॉलीडे है और मंडे से आपका यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे जनवरी मंथ है, यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, अगर आप ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके फरवरी मंथ करते हैं, तो फरवरी के अनुसार देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक डेट भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को से लेके जो है 28 फरवरी 2021, ये ऑटोमेटिक जो है आपका जो है डेट चेंज हो जाएगा और उसी के अनुसार क्या है यहाँ पे जो है डे भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि 1 फरवरी कौन सा दिन पड़ता है, वो मंडे पड़ता है। आप यहाँ पे अगर कैलेंडर में खोल के देखूँ, ठीक है, कैलेंडर में भी आपको कौन सा दिखा रहा है, जनवरी, नेक्स्ट मंथ होता है फरवरी। ठीक है, फरवरी में देखिए कौन सा मंथ आ रहा है, यहाँ फरवरी, 1 फरवरी को कौन सा डे है, मंडे है। तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो है आपको जो है डे भी बता दिया है। ठीक है, अगर यहीं पे आप मंथ के जगह जो फरवरी सेलेक्ट किया, आप अगस्त सेलेक्ट करो, ठीक है, तो अगस्त का जो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक होता है मंथ, ये ऑटोमेटिक आपको डेट चेंज हो रहा है, उसी के अनुसार यहाँ जो है डे भी चेंज हो रहा है और यहाँ से डेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का वीडियो हम लोग बनाएंगे और इस सीट को प्रिपेयर करेंगे एक्सेल में किस तरह से इसको बनाते हैं। चलिए मैं नया सीट बना के दिखाता हूँ आपके सामने कि मैं इस सीट को किस तरह से बनाया हूँ। ठीक है, जैसे कि मंथली प्रोडक्शन प्लान के लिए मैं जो है यहाँ पे न्यू सीट में आपको लेके चलता हूँ। ठीक है, न्यू सीट में क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक L तक जो है इसको मर्ज कर दिया। ओके, और यहाँ पे जो है मर्ज करके यहाँ पे क्या लिखना है, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। ओके, ठीक है, तो मैं लिख दिया मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट। ओके, मैं इस रो को जो है क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे इसका साइज थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ठीक है, तो इसको मैं 25 कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो 25 यहाँ पे कंसीडर किया तो यहाँ पे आ गया। इसको अगर बोल्ड करना चाहते हैं आप बोल्ड कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसको डबल कॉलम में कर दीजिए और इस रो का जो हाइट हम लोग सेट करेंगे, यहाँ पे रो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए तो रो हाइट आता है। ठीक है, रो हाइट को आप जो है चेंज कर दीजिए। ठीक है, जब अपने अनुसार चेंज कर दिए, मैं 33 रखा हूं। इसके बाद क्या करना था, मंथ लिखना था। ठीक है, तो आप जो है यहां पे मैं मर्ज कर देता हूं इसको और यहां पे लिख रहा हूं मंथ। ठीक है, कौन सा मंथ चाहिए आपको वो भी लिख दिया यहां। ओके, मंथ चाहिए इसको भी जो है इसी का फॉर्मेट कर दे रहा हूं। ओके, सेम फॉर्मेट में आ गया। मंथ के बाद क्या करना था, मंथ लिख लिया। मंथ के बाद जो यहाँ पे जो है आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना था जिसमें कि मंथ आएगा। ठीक है, इसको भी मैं मर्ज कर दे रहा हूं। ओके, तो इसमें जो है मंथ आना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, अगर यहाँ पे मंथ आया तो फिर क्या था, यहाँ पे डेट आना, इसको भी मैं मर्ज कर दे रहा हूं डेट के लिए। ठीक है, डेट के बाद यहाँ पे किस डेट से किस डेट आ रहा, इसको भी आप जो है मर्ज कर दीजिए। ओके, मर्ज सेंटर कर दीजिए टू रो को, यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू। ओके, करेक्ट, TO2 लिखता हूँ। ठीक है, और इसका जो है सेम फॉर्मेट ये भी कर दे रहा हूँ। ओके, टू लिखने के बाद नेक्स्ट क्या था, किस डेट से किस डेट तक चाहिए था, इस डेट से इस डेट तक चाहिए।
ओके, इतना करने के बाद क्या कर रहा हूं अभी मैं यहाँ पे मंथ के लिए क्या चाहिए, अभी मंथ को जो है ड्रॉप डाउन में लाना है, ठीक है। तो सभी मंथ जो है क्या होना चाहिए, ड्रॉप डाउन में। जैसे कि पहले फर्स्ट शीट में आप दिखा रहे हैं, इस शीट में क्या है, यहाँ मंथ जो है आप जैसे ही मंथ सेलेक्ट कर रहे हो क्या है, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इस ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ मंथ लिखा, यहाँ पे प्रोडक्शन रिपोर्ट है, आप इसका कलर चाहे तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इस कलर में यहाँ से कलर जो है, जो भी कलर चाहे आप इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप अपने अनुसार कलर ले सकते हो, ठीक है। रेड ले सकते हैं, जो भी चाहे आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। मंथ है तो यहाँ पे मुझे मंथ जो है ड्रॉप डाउन में आना चाहिए, ठीक है। ड्रॉप डाउन में किस तरह से लाएंगे, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं नया शीट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यू शीट में यहाँ पे मंथ लिख रहा हूँ, ठीक है। MONTH, ओके, ठीक है, मंथ लिख रहा हूं। मंथ के बाद क्या होता है, जनवरी, अगर इसको ड्रैप डाउन किया तो दिसंबर तक आएगा, ठीक है। यह मंथ हो गया, और इस मंथ को क्या करूंगा मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं थोड़ा नया तरीका बता रहा हूँ ड्रॉप डाउन का, इसमें आप ये सभी को जो है सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फार्मूला में जाइए, फार्मूला में जाने के बाद यहाँ डिफाइन नेम कर दीजिए, ओके। जैसे डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ MONTH, मंथ, ओके। मंथ लिख के, मंथ लिखा गया यहाँ पे, इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, जस्ट इतना काम कर दिए। इतना काम करने के बाद अभी क्या करेंगे, यहाँ मंथ है, यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप डाउन चाहिए। ड्रॉप डाउन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा टेबल में जाएंगे, ओके। डेटा टेबल में जाने के बाद यहाँ डेटा वैलिडेशन, ओके, डेटा वैलिडेशन में डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जो है एनी वैल्यू है इसको आप लिस्ट कर दो। क्या करना है, लिस्ट, ओके। और यहाँ पे आप जो है इक्वल टू लिखो, किस नाम से उसको सेव किया था, मंथ, MONTH, ओके, मंथ के नाम से सेव किया था, इक्वल टू मंथ लिख दीजिए और इसको सिंपली ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे जो आपका जो मंथ जो है सभी देखिए ड्रॉप डाउन में आ रहा है, ठीक है। मैं इस सेल को भी इसका फॉर्मेट दे रहा हूँ, तक यहाँ पे देखिए छोटा दिख रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट करके इसको भी सेम फॉर्मेट दे दीजिए, तो आपको जो है लेटर जो आएगा सेम फॉर्मेट में आएगा, ओके, क्लियर है। इतना हो गया, इतना होने के बाद अभी क्या करना है, डेट चाहिए, कौन सा डेट चाहिए। इतना हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, डेट, ओके। यहाँ पे देखिए स्मॉल लेटर में आ रहा है जुलाई, तो क्यों स्मॉल लेटर में आ रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे सभी स्मॉल में दिया था, इसीलिए। अगर मैं यहाँ पे इसको बिग कर दूं, ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको ड्रॉप डाउन करके यहाँ करूँ तो अभी देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करो तो यह देखिए अभी सभी स्टार करेक्ट आ रहा है, ओके। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी मन चाहे यहाँ से सेलेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेट में क्या था, यहाँ पे जो है डेट था, ठीक है। डेट जो था, नेक्स्ट शीट में देखिए आपका फर्स्ट शीट इधर जो है, इस शीट पे देखिए जनवरी के बाद जो है यहाँ पे डेट आना था। डेट आने के बाद जो है आप क्या करेंगे, डेट आने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो है डेट कैसे आएगा, ओके। ये डेट लाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू लिखिए, एक फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, इक्वल टू यहाँ लिखिए डेट वैल्यू, ओके। क्या फॉर्मूला डालेंगे, डेट वैल्यू, ठीक है। डेट वैल्यू के डालने के लिए क्या करो आप, यहाँ पे डेट वैल्यू डालने के लिए आप जो है यहाँ लिखो वन लिखो, ओके, वन, वन के बाद जो है एंड लिखिए, ओके। एंड लिखने के बाद सिंपली इसको सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, और इंटरफेस कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। इसको मैं सेम फॉर्मेट करता हूँ, ओके। तभी देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, ठीक है। आपने क्या फॉर्मूला लगाया, डेट वैल्यू वन लिखा और एंड करके इस सेल को सेलेक्ट किया हो, ठीक है। तो डेट वैल्यू का लगाने के बाद अगर आप इंटर करते हैं तो ये नंबर वे में आ रहा है। तभी क्या करो, इसको आप इसका जो है फॉर्मेट चेंज कर दो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे जनरल फॉर्मेट है, जनरल फॉर्म को जो है डेट शॉर्ट डेट कर देता हूँ उसको। तो अभी देखिए आपको जो 11 करके 21 करके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस तरह से आ गया। नेक्स्ट में क्या था, अभी नेक्स्ट में क्या है, टू एंड डेट, ठीक है। स्टार्ट डेट हो गया, इस मंथ का एंड डेट भी आना चाहिए। तो एंड डेट के लिए मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा इक्वल टू
ई फॉर्मूला लगा ईओ मंथ, ठीक है, ईओ मंथ आया, ईओ मंथ में बोल रहा है स्टार्ट डेट, ठीक है, स्टार्ट डेट आपको कौन सा चाहिए, स्टार्ट डेट में जो है आप ये सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, उसके बाद कॉमा डाल दीजिए, उसके बाद जीरो प्रेस कर दीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो है ये भी कुछ अलग फॉर्मेट आ रहा है, मैं इसको सेम फॉर्मेट में रख रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या आ रहा है, जनवरी 31st तक आ रहा, 31st 2020। अगर आप इसका फॉर्मेट कुछ अलग तरीका से चेंज कर सकते हैं तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल कर दीजिए। ओके, फॉर्मेट सेल करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या फॉर्मेट सेल किया और यहाँ पे जो है डेट कर दीजिए और इसके अनुसार आप कर सकते हैं तो इसके अनुसार भी कर सकते हैं और इसको सेम फॉर्मेट कर दीजिए। तो ये जो है आपको 31 जनवरी 2021 करके इस तरह से यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। फर्स्ट रो जो है हम लोग यहाँ पे जो है फर्स्ट में आपको जो दिखाया ये सीट का जो भी है सभी आप बना लिए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये सभी कैसे आएगा वो भी मैं करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो है आपको जो है डिपार्टमेंट वाइज चाहिए। ओके, इतना होने के बाद जो है क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए यहाँ से, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, डिपार्टमेंट। ओके, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट आपको वन चाहिए, कौन सा डिपार्टमेंट, नाम लिख सकते हो, मैं सिंपली ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ इसको। ओके, 10-12 आप जितना भी डिपार्टमेंट कर सकते हो आप कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद जो है क्या करेंगे, डिपार्टमेंट लिखिए, इसके बाद जो है मैं क्या करता हूँ ये सभी को जो है एक सेम कॉलम में रख देता हूँ ताकि आपको बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। ये सभी को क्या क्या मैं सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट करने के बाद इसको जो है आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर जाने के बाद इसको जो है थोड़ा आप बढ़ा दो जितना आप करना चाहते हो और अपने अनुसार हाइट सेटिंग करना चाहते हैं कर दीजिए। ओके, अभी क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेट होना चाहिए। डेट होने के लिए क्या करना, यहाँ पे क्या फर्स्ट डेट जो है, जो डेट है यहाँ पे डेट होना चाहिए, मैं इक्वल टू यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू कौन सा डेट होना चाहिए, ये डेट होना चाहिए और इंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ का जो फर्स्ट डेट आ गया है, ठीक है, क्या आया है यहाँ पे फर्स्ट डेट। लेकिन मुझे यहाँ इस तरह से डेट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे वन चाहिए ओनली। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसका फॉर्मेट सेल में जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट सेल में जैसे जाएंगे तो आप जो है इसका फॉर्मेट कस्टमाइज कर दीजिए। कस्टमाइज करने के बाद सिर्फ हमको डी लिखना है, सिर्फ डेट चाहिए तो आप डी लिख दो और इसको ओके कर दो। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे टू लिखना चाहिए। टू के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डेट के लिए क्या होना चाहिए इसका, थोड़ा इसको मैं मिनिमाइज कर, यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे इक्वल टू मैं लिखूंगा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला दो यहाँ पे, फॉर्मूला दे रहा हूँ इफ फॉर्मूला यूज करूंगा, इफ, ओके, इफ दिस वन फर्स्ट वन लेस देन हुआ और ये जो है लास्ट डेट के अनुसार, ओके, और इसको अभी क्या करेंगे, इसको पकड़ के यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, ठीक है, क्या प्रेस करना, F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करने के बाद आप कोमा दीजिए, ठीक है, उसके बाद जो है लिखिए फर्स्ट वन, इतना होने के बाद क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, वन प्लस ये जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्या क्या इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, V3 को और यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट में कॉलम में, इसको दो डॉट दे दीजिए और इसको क्या करना है क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और इंटर प्रेस कीजिए तो देखिए नंबर में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नंबर में आ रहा था, इसको हम लोग क्या करेंगे सेम फॉर्मेट, इसी का फॉर्मेट में करेंगे। ओके, सेम फॉर्मेट, देखिए अभी टू आ रहा है, टू क्यों आ रहा है, थोड़ा इसको मैं बढ़ा के दिखाता हूँ क्या किया हूँ, इसको कैसे फॉर्मूला पुट किया है, यहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज किया हूँ, ठीक है, इफ फॉर्मूला आपको लगाना है, इफ ये फॉर्मूला जो है लेस देन इक्वल हुआ किसके अनुसार, इस डेट से, तो इसमें जो है नेक्स्ट डेट जो है 1+B3, मतलब कि इस डेट में 1 ऐड हो जाएगा और ये आगे की ओर बढ़ाएगा, अगर फॉल्स रहा तो 0 रहेगा, ये फॉर्मूला डाला हूँ। अगर आप इसको जो है पकड़ के आप ड्रैग कर दो पूरा, ठीक है, इसको लेके पूरा जो है ड्रैग कर दीजिए 31 तक, यहाँ पे क्या हो गया, ड्रैग हो गया है, ओके, एरर आ गया।
ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप ड्रैग करोगे, देखिए ड्रैग हो रहा है, सभी ऑटोमेटिक जो है ये ड्रैग हो रहा है। कहाँ तक ड्रैग करना है मुझे, ये फॉर्मूला को पूरा जो है यहाँ तक ड्रैग कर देंगे क्या। ठीक है, ओके, क्या आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ से इसको पूरा लेके यहाँ तक जो है ड्रैग कर दिया, देखिए 31 तक ड्रैग हो चुका है ऑलरेडी। ओके, अगर यहाँ पे देखिए अभी चेंज हो रहा है, यहाँ पे मंथ चेंज हो रहा हूँ, देखिए फरवरी लिख रहा हूँ, तो जो है यहाँ पे 28 तक ही आ रहा, बाकी सभी ब्लैंक छूट रहा है, मतलब ये आपका काम कर रहा है अभी तक। ओके, तो यहाँ मंथ में जनवरी ही रख रहा हूँ अभी, ठीक है, जैन रख रहा हूँ, सेलेक्ट करके एक एक स्टेप में स्टेप बाय जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट शीट में क्या है, आपको यहाँ पे डे लाना है। ओके, डे लाने के लिए यहाँ पे क्या करना है, इस शीट में मुझे यहाँ पे डे लाना है। ओके, डे लाने के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला डालूंगा, फार्मूला मैं डालूंगा, क्या फार्मूला डालूंगा, मैं टेक्स्ट का फार्मूला डालूंगा। ओके, मैं यहाँ पे टेक्स्ट का फार्मूला डालूंगा। ओके, यहाँ पे जो है इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू टीई एक्सट टी टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट फार्मूला डालू, टेक्स्ट फार्मूला कैसे काम करेगा, फर्स्ट वैल्यू टेक्स्ट के लिए क्या क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वैल्यू। ओके, क्या पूछ रहा है, वैल्यू। ओके, तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है, वैल्यू, तो वैल्यू में मैं कौन सा वैल्यू दूंगा, ये वैल्यू चाहिए इसके लिए। और फॉर्मेट में क्या चाहिए, फॉर्मेट में मुझे जो है डे का फॉर्मेट चाहिए, मैं डबल कोट डालूंगा यहाँ पे डी 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 और डबल कोट क्लोज कर दिया, तो ट्रिपल डी करूंगा और इसको मैं ओके कर दिया, तभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ आर आई करके आ गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूंगा, पूरा आप जैसे ड्रैग किए थे फर्स्ट टाइम उसी टाइप से आप ड्रैग कर दीजिए, देखिए सभी जगह जो है ड्रैग हो रहा है। ओके, अच्छा है, काम कर रहा है, पूरा यहाँ तक जो है आपका ड्रैग हो चुका है। ओके, अभी क्या करना है, आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहीं पे जो है आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करने के बाद जो आपका पेज जो है ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगा अपने अनुसार। ओके, ये सेट हो गया अपने अनुसार, सेट हो चुका है। होने के बाद अभी नेक्स्ट क्या करना, यहाँ आपका जो है फाइनली ऑलमोस्ट रेडी है, आपका जो सीट जो है वो ऑलमोस्ट अभी रेडी है। ठीक है, रेडी में क्या करना है, और क्या है इसमें, मैं इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ जबकि दिखने में अच्छा लगे। ओके, इतना होने के बाद लास्ट सीट में मैं और क्या बच रहा है, यहाँ पे संडे को जो है मुझे रेड कलर करना है और मंडे को ग्रीन कलर करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, ये सभी को जो है सेलेक्ट कर लो। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट में कंडीशनल हाइलाइट्स रूल में जाइए और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए संडे, SUN। ठीक है, अगर संडे जैसे ही आया तो उसको जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, रेड कलर है। ओके, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो यहाँ पे जैसे जैसे संडे हो गया सभी जो है रेड कलर हो जाएगा। और इसी में अगर आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे फिर से एक कंडीशनल और लगा दीजिए, कंडीशनल इक्वल टू, और यहाँ पे मंडे को कौन सा कलर चाहिए और कौन सा डे को कौन सा कलर चाहिए, अगर मंडे को मुझे ग्रीन चाहिए, ठीक है, लाइट ग्रीन। ओके, तो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ग्रीन फील्ड, और इसको ओके कर दीजिए। देखिए मंडे जैसे आया वो ग्रीन में आ गया, संडे जो है रेड में आ गया है। ओके, तो आप जो है अभी देखिए आपका सीट क्या है, रेडी है ऑलमोस्ट। अगर आप यहां पे मंथ चेंज कीजिए, ठीक है, अगर जुलाई मंथ चेंज कर दो, देखिए उस जुलाई के अनुसार डेट भी चेंज हो रहा है, मंथ भी चेंज हो रहा है, डे भी चेंज हो रहा है, सब भी कुछ चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं फरवरी करूँ, फेब्रुअरी मंथ कर रहा हूँ, तो फेब्रुअरी मंथ में देखिए, ठीक है, फेब्रुअरी मंथ का भी आपका जो है सभी चेंज हो रहा है। ओके, तो अगर आप इसको थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, अच्छा से लगेगा, यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, सभी जो ऑटो बॉक्स जो है सभी फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरह से मंथली रिपोर्ट, आप जो है प्रोडक्शन रिपोर्ट का सीट रेडी करते हैं। अगर यहीं पर आप जो है जनवरी मंथ का जो है डेटा आपको बन गया है और यहाँ पे जो है मंथ लिख दिया, देखिए कुछ नहीं आ रहा, जनवरी मंथ का सेव कर कुछ डेटा लिखेंगे, इसको सेव करेंगे तो आप इसको सेव कर सकते हैं, या तो एक सीट को और भी दूसरा सीट में जाएंगे, इसको एक और जगह मूव करना तो इसको मूव कर दीजिए, मूव और कॉपी में जाके, मूव टू एंड में करता हूँ क्रिएट कॉपी, देखिए सेम सीट जो है अभी देखिए एक और मंथ के लिए, यहाँ पे फरवरी मंथ का अलग सीट बनाना है तो यहाँ पे फरवरी मंथ का सीट, अगर यहाँ पे नीचे में नेम चेंज करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो फरवरी मंथ का कर दिया और मैं यहाँ पे जो है इसको जनवरी मंथ का रखना चाहते हैं तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, जे एन जेन।
ठीक है। तो ये जैन का हो गया जनवरी मंथ और ये हो गया फरवरी मंथ, ठीक है। और इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आप मैं दो कॉलम और इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो है एक मैं लाइव एग्जांपल भी दे रहा हूँ कि आपका जो है क्या है, यहाँ पे मेरा जो है टारगेट है, टारगेट, ठीक है, शिपमेंट टारगेट, टारगेट हमारा क्या है, ठीक है। टारगेट आपके पास जो है होना चाहिए, वो आपके पास रहेगा, सेम फॉर्मेट में करता हूं, ठीक है। यहाँ पे होगा आपके पास टारगेट, जो कि आपका जो है टारगेट कितना भी है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, वो आपको दिया हुआ रहेगा, ओके। और आपका जो है करंट, कंप्लीट, कंप्लीट कितना रहा और यहाँ पे पेंडिंग कितना रहा, ओके। अब दो तीन कॉलम यहाँ पे ऐड कर देगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट डेट में, ठीक है, फर्स्ट डेट में कुछ 500 प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है, डिपार्टमेंट वन का, ठीक है, इसमें कुछ 260 हुआ है, इस तरह अनुसार डेट जो है आपका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जो है कितना कंप्लीट हुआ, मैं इसको कहाँ पे भी मैं सम का फॉर्मूला यूज कर दे रहा हूँ, सम अगर कर दे रहे हैं और ये टोटल नंबर को आप यहाँ पे जो है सम कर दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कितना कंप्लीट हो गया वो भी दिखा रहा है और कितना बैलेंस रहा, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करके टारगेट माइनस इतना कर दीजिए, तो अभी आपका जो है बैलेंस पेंडिंग कितना बचा हो इस मंथ का टारगेट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, इस डिपार्टमेंट वन के लिए कितना जो है कम टारगेट था, कितना कंप्लीट किया, कितना पेंडिंग है, आप वो भी जो है डेटा देख सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता आप किस तरह से इसको यूज करना चाहते हैं, जिस तरह से आप यूज करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से मैंने ये बनाया, मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट फर्स्ट शीट में जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें देखिए कलर यहाँ पे कुछ और है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ अलग चेंज करके दिया था, वो आप अपने अनुसार कलर चेंज कर सकते हो, और इसको आप चाहे तो थिक लेटर में भी कर सकते हैं, थिक में भी कर सकते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि इस शीट का यूज तो हम लोग प्रोडक्शन मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट के लिए तो करते ही हैं, आप चाहे तो इसका जो है अटेंडेंस के रूप में भी यूज कर सकते हो, इस शीट का यूज जो है आप अटेंडेंस के रूप में भी कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस तरह से यूज कर सकते हो। मैंने ये बताया मंथली प्रोडक्शन रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं और मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट में ये है, ठीक है, जिसमें कि आपका सारा डॉट ऑटोमेटिक क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट, और इसमें ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर होता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो इस शीट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, और भी कुछ न्यू ट्रिक चाहिए तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।